हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आर जो मोरेंट इज ए रियल सुपरस्टार, ही इज ए किंग, ही इज रियल सुपरस्टार। क्योंकि आप देखिए, इम्पैक्ट ऑफ जो मोरेंट इज जस्ट अनमैचेबल। 25 गेम सस्पेंशन था, उसके बाद कमबैक किया, 7 महीने तक एक मैच नहीं खेला था, कोई भी प्रोफेशनल मैच नहीं खेला था। स्क्रीनिंग किया मेम्फिस ग्रिजली के टीम में आके प्रैक्टिस किया, उसके बाद पहला मैच खेला 7 महीने बाद पहला मैच खेला पेलिकंस के विरुद्ध। क्या हुआ मैच में? 31.7 असिस्ट, 5 रिबाउंड, 2 ब्लॉक एंड वॉस ऑन स्टील विथ मैच विनर शॉट। तो इम्पैक्ट ऑफ जो मोरेंट अनमैचेबल इसीलिए है। आप देखिए कि कोई प्लेयर इतने दिन बाद खेल रहा है, उस तरीके से खेल, पहले ही मैच, कमबैक मैच इस तरीके से खेला कि लगा कि वो कभी अनफिट था ही नहीं, या सस्पेंशन हुआ ही नहीं था, इतना कॉन्ट्रोवर्सी उसके आजू बाजू क्रिएट ही नहीं हुआ था। सेकेंड मैच हॉक्स के विरुद्ध खेला, एटलांटा हॉक्स के विरुद्ध 30 पॉइंट स्कोर किया, उसके बाद पेसर्स के विरुद्ध खेला, वो भी 20 पॉइंट स्कोर किया, उसके बाद अगेन फेलिकंस के साथ मैच हुआ, पिछले दिन का मैच था, 34.8 असिस्ट एंड 6 रिबाउंड। 3 पॉइंटर शूटिंग एज परसेंटेज छोड़ के ओवरऑल ही इज परफॉर्मिंग सुपर्ब, रियली सुपर्ब। उसका आके ही हर मैच जीतने लग गया मेम्फिस ग्रिजली एक मैच भी नहीं जीत रहा था इससे पहले। एक प्लेयर आने से पूरा टीम ही चेंज हो गया। मेम्फिस ग्रिजली का टीम पहले ऑफेंसिव में बहुत ही ज़्यादा लो रैंक कर रहा था। ऑन द काउंटर जो मोरेंट आने के बाद, उसका कमबैक होने के बाद, दे प्लेड एक्सट्रीमली वेल बास्केटबॉल। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि जो मोरेंट का इम्पैक्ट एक टीम में क्या है। मेम्फिस ग्रिजली टीम उतना खराब दिख रहा था जब ये था नहीं, जब आया इंक्रेडिबली टैलेंटेड दिख रहा है, हर मैच जीत भी रहा है, उसके आजू बाजू सब परफॉर्मेंस भी और इम्प्रूव कर दिया। तो एक सुपरस्टार रहने से टीम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका रिजल्ट ये है। मेम्फिस ग्रिजली को जो मोरेंट को समझना चाहिए कि ही इज द बेस्ट प्लेयर, और उसको सब कॉन्ट्रोवर्सी चीज छोड़ देना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई द नॉनसेंस थिंग्स, गन कॉन्ट्रोवर्सी आजू बाजू, ये सब छोड़ देना चाहिए। फुल्ली फोकस ऑन बास्केटबॉल। यू आर द बास्केटबॉल जीनियस, यू आर द बास्केटबॉल सुपरस्टार, यू आर द न्यू फेस ऑफ बास्केटबॉल। एवरीथिंग यू डन for the basketball is great. Outer than basketball, you have responsibility, you have answerability also. So just keep in your head कि basketball ही खेलना है और basketball ही तुम्हारी जिंदगी है, बाकी सबको छोड़ दो। Impact क्या हुआ कि player of the week हो गया Memphis Grizzlies का, एक भी player नहीं हो रहा था। जीतने के बाद John Morant player of the week conference का उसको award मिला। तो इससे ज़्यादा और क्या impactful हो सकता है कि एक player आपका जब था नहीं, एक match नहीं जीत रहे थे, जब आया तुरंत scenario change कर दिया। तो और क्या बोलना, मेम्फिस ग्रिजली ऑन फायर, जो मोरेंट ऑन फायर, जस्ट कीप आई ऑन जो मोरेंट। अब लग रहा है कि मेम्फिस ग्रिजली प्लेऑफ के लिए तैयार है, तो देखते हैं आगे क्या होता है।